फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये डिज़ाइन देखिए वाइट कलर में बताई थी, इस तरह से बनाना बताया था आपको। और ये मेरा मुझे जितना लंबा चाहिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं कार्डिगन बना रही हूँ, मैंने बताया था आपको। और ये डिज़ाइन मैंने आपको सिंगल क्रोशिया बताई थी, ये मैंने डबल क्रोशिया बनाया है। दोनों मैंने आपको इस डिज़ाइन में बताई है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो है मैं एम साइज़ का कार्डिगन बना रही हूँ, एम साइज़ का कार्डिगन बना रही हूँ। तो इसमें देखिए टोटल 16 डिज़ाइंस हैं। ये साइड के ये छोड़ दें तो ये टोटल 16 डिज़ाइंस हैं हमारी। तो 16 डिज़ाइन को हम हाफ कर लेंगे। देखिए 4 डिज़ाइन फ्रंट साइड पे एक आ जाएगी, 4 एक फ्रंट पे, और बीच में 8 डिज़ाइन आएगी। तो जितने भी आपके डिज़ाइंस हैं अगर वो इस तरह से इवन नंबर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ऑड नंबर में आता है तो कोई बात नहीं, आपके पास एक डिज़ाइन एक्स्ट्रा होगी तो उसे आप पीछे बैक साइड में डाल दें। क्योंकि बैक साइड में देखिए फ्रंट साइड पे ये कज पट्टी और बटन पट्टी के लिए हमने ये बनाया होता है, तो इसलिए ये जो आगे का जो पोर्शन है वो एडजस्ट हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ 16 डिज़ाइन है। तो देखिए 4 डिज़ाइन हम फ्रंट साइड के लिए रखेंगे इस तरफ, और 4 डिज़ाइन हम इस तरफ देखिए इस तरह से रखेंगे। देखिए तो इसमें हम आर्म होल कैसे घटाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए इस जगह पे हम ये हमारी जो डबल क्रोशे की रो है वो कंप्लीट हुई है, डबल क्रोशे या फिर सिंगल क्रोशे की जो रो है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर, जैसे बाकी डिज़ाइन्स में हम क्या करते हैं, थोड़ा एक डिज़ाइन यहाँ छोड़ देते हैं, एक डिज़ाइन आर्म होल पे, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम जो गले का पोर्शन है वो माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो इसे ध्यान से देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, और डिज़ाइन आप पिछली वीडियो में जाके सीख सकते हैं। देखिए हम यहाँ ट्रिपल क्रोशे की रो पे हैं, तो आप 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 2 के बाद 3 4 और 5, 5 चैन बनाएंगे। और देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया, डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने ये कच पट्टी और बटन पट्टी में बनाया था, इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बन गया। अब ये जो पोर्शन है गले का, यहाँ से हम एक डिज़ाइन कम करेंगे। तो कम कैसे करेंगे, देखिए पहले ये हमने 3 बार लपेटा, 1 2 3 4, 4 स्किप करेंगे, 5th में हम पहले ये देखिए इस तरह से ये बनाएंगे 5th में, फिर उसके बाद 6th में, फिर उसके बाद 7th में, और फिर उसके बाद देखिए 8th में। ये हमने 4 ट्रिपल क्रोशे बनाया, चार बनाया। फिर उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे हम बनाते हैं, तो देखिए एक हम स्किप कर देंगे, एक स्किप करेंगे और दूसरे वाले में हम एक डबल ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। फिर उसके बाद देखिए फिर वापस से एक और स्किप करेंगे, एक और स्किप करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्किप करेंगे, उसके बाद जो 4th वाला है उसमें हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ जहाँ हमें 4 बनाना था डबल ट्रिपल क्रोशिया, वहाँ हमने सिर्फ 2 बनाए। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 ही डबल ट्रिपल क्रोशिया बने, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 5th वाले में हम इस तरह से बनाएंगे, फिर 6th, 7th, 8th। देखिए 8th हो गया। फिर इसमें हमें माइनस नहीं करना है, हमें सिर्फ जो गले की साइड में है ये एक डिज़ाइन हमें डिक्रीज करनी है, पूरी एक डिज़ाइन हम डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए अब इसके बाद फिर वापस से इसमें, इस वाले में जो हमने स्किप किया है इसमें, देखिए पीछे से इसमें हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद इसमें, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, फिर इसमें 4। ये देखिए
बैक साइड में हमने ये चार बना लिया। फिर वापस से इसको भी बना लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें मैं आपको डिक्रीज करना बताऊंगी। ये आर्म होल है, इसमें से हमें आधी डिज़ाइन घटानी है, यानी कि यहाँ पे हमें चार ट्रिपल क्रोशिया जैसे ये हमने रखा हुआ है वैसा ही रहेगा, बाकी चार जो है ट्रिपल क्रोशिया हम डिक्रीज कर देंगे। तो इस वाले को हम बना लेते हैं पहले, जैसे हमने इसको बनाया वैसे इस डिज़ाइन को बना लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट डिज़ाइन हमने बना ली है, कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फिर से 1 2 3 वाला लपेटेंगे, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ वाले में बनाएंगे। फिर उसके बाद सिक्स्थ वाले में बनाएंगे, फिर उसके बाद सेवन्थ वाले में बनाएंगे, फिर उसके बाद एट्थ वाले में बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वापस से यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, तो देखिए पहला छोड़ देंगे, ये जहाँ हमने बनाया उसके बाद वाला छोड़ देंगे, उसके बाद वाले में हम बनाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम एक और छोड़ेंगे यहाँ पे, देखिए पीछे से ये एक और स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, फिर इसमें इसमें हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए ये हो गया, फिर यहीं से आपको टर्न हो जाना है। अभी हम इस पार्ट को बना लेते हैं, देखिए फिर यहाँ पे टर्न हो जाएंगे, तो यहाँ देखिए 1 2 3 चैन, और फिर देखिए इसमें यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से जितने भी, तो ये रो आपकी सेम वैसी ही रहेगी जैसी रहती है, इसमें कोई आपको इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है। तो इस रो को बना के कंप्लीट करते हैं, पूरा यहाँ तक आपको आना है ट्रिपल क्रोशिया डबल ट्रिपल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली डबल क्रोशिया बना के। अब फिर यहाँ पे हम वापस से देखिए पांच चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 ये हमने पांच चेन बना लिया। फिर उसके बाद देखिए वापस से यहाँ पे इस तरह से ये 1 2 और ये 3 ये बनाया हमने। फिर अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्किप करेंगे, फिर फिफ्थ में हम बनाएंगे इस बार, देखिए फिफ्थ में बनाया, और फिर उसके बाद सिक्स्थ में बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने फिफ्थ में बनाया, फिर ये हमने सिक्स्थ में बनाया, ये हमने 2 बनाया। अब हमें यहाँ पे 3 नहीं बनाना है, हमें सिर्फ 2 ही बनाना है, 1 2 3 4 हाँ। अब इसके बाद फिर वापस से देखिए 3 बार लपेटेंगे, फिर यहाँ पे 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जो है हम एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए हमारे पास 4 डबल ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर उसके बाद वापस से देखिए अब यहाँ पे इन दोनों पे डिज़ाइन बना लेंगे जैसे हमने ये बनाई है, और फिर जब यहाँ पर आएंगे तो मैं बताती हूँ, इन दोनों को इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने 2 डिज़ाइन बना ली है, 2 डिज़ाइन ही हमें शोल्डर्स के लिए रखनी है, ये भी माइनस हो जाएगी, और पीछे की जो डिज़ाइन है उसमें हमें सिर्फ 4 ट्रिपल क्रोशिया ही रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे, देखिए इस बार लेंगे तो पहले वाले में बनाएंगे, पहले वाले में बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बार लिया, 1 स्किप किया, नेक्स्ट वाले में लेंगे, 2 हो गया, फिर नेक्स्ट में बना लेंगे, और फिर देखिए जो फोर्थ वाली चेन है इसमें बना लेंगे। अब देखिए आर्म होल के साइड पे आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ये हमने एक डिज़ाइन को हाफ कर दिया, 8 ट्रिपल डबल ट्रिपल क्रोशे की डिज़ाइन थी, हमने यहाँ पे 4 कर लिया। अब यहाँ पे इसी डबल ट्रिपल क्रोशे पे डबल ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। तो अभी रॉन्ग साइड से पहले 1 2 3 और जितने भी डबल ट्रिपल क्रोशे हैं सब पे आपको डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए हमने डबल ट्रिपल क्रोशे की रो कंप्लीट कर ली, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनाए, 3 बार उन लपेटा, नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशिया है, यहाँ पे 4 है, तो इसका हमें सिर्फ हमें 2 ही रखना है, 2 रखेंगे फिर लास्ट वाली रो में हम कम कर देंगे। 1 2 3 थर्ड वाले में हम बनाएंगे,
देखिए इस तरह से, लेकिन इसे आपको कंप्लीट नहीं करना है। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में बना लेंगे, इसे भी आपको अभी कंप्लीट नहीं करना है। अब हम इन तीनों को बंद कर देंगे, देखिए इस तरह से। फिर से वापस से एक दो तीन तीन बार लपेटेंगे, देखिए तीन बार लपेटा। फिर बैक साइड से एक लेंगे, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं करना है आपको। फिर बैक साइड से लेंगे एक और, इसे भी आपको कंप्लीट नहीं करना है अभी। अब देखिए जब दोनों हो गए हैं उसके बाद अब आपको इन तीनों को बंद करना है। ये देखिए ये हमारा, अब ये एक एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, माइनस हो गया। अगर हम डायरेक्ट घटा देते तो ये जैसे होल थोड़ा ज़्यादा हो जाता। अब फिर इन दोनों को बना लीजिए और इसको जैसा है यहाँ पे चार पे चार ही बनाएंगे, ये दो डिज़ाइन बना लेंगे, चार पे चार बनाएंगे। ये देखिए ये हमने रो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। रॉन्ग साइड से देखिए ये हमने डबल क्रोशिया की रो बना ली है। और देखिए यहाँ पे जहाँ हमने चार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे फिर हमें दो इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से वन, और देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे टू, और ये हमने इसे बंद कर दिया। देखिए फिर वापस से यहाँ पे वन टू और ये थ्री और ये फोर, ये देखिए ये हो गया। फिर अब यहाँ से देखिए यहाँ पे पहले पांच चेन बनाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, और ये इन तीनों पे हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने बना लिया इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए थे इसे स्किप करना है, इसे नहीं गिनेंगे हम। वन टू थ्री, थ्री लिया हमने, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ के वन टू थ्री फोर, फोर छोड़ेंगे और फिफ्थ में फिर से ये बनाएंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फिफ्थ, फिफ्थ में ये ऊन बहुत सिल्की है थोड़ा सा। एक दो तीन, फिर नेक्स्ट में बना लेंगे, वन टू थ्री यहाँ बना लेंगे। देखिए चार हो गया। फिर वापस से वन टू थ्री लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों एक साथ हमने बनाया इसे स्किप करना है, इसके बाद में देखिए वन स्किप करेंगे, सेकंड इसमें, इसमें आपको इस तरह से बनाना है। फिर वन टू थ्री, इसमें वन टू थ्री, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद वापस से इस पे बना लेंगे और इस पे बना लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, हमें पांच लाइन बनानी थी आर्म होल के लिए। वन टू थ्री, थ्री हो गई, फोर्थ बना रहे हैं फिफ्थ। अब कोई डिक्रीज नहीं करना है, इंक्रीज नहीं करना है, जैसा है उसी पे हम दो डिजाइन और बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने शोल्डर्स कंप्लीट कर लिए, यहाँ पे रो मैंने बंद कर दी है, ऊन तोड़ दिया है। यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव बनाया है डिज़ाइन। और देखिए जिसकी आर्म होल की जो लेंथ है वो पाँच से छः इंच है, लगभग लगभग ये छः इंच की बुनाई हमने की है। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप एक लाइन और बना सकती हैं, मगर आई थिंक कि इसमें एम एल और एक्सेल, एक्सेल तक की साइज़ के लिए आपको पांच ही डिज़ाइन बनानी होगी। डबल एक्सेल की साइज़ है तो उसके लिए आपको एक डिज़ाइन और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। डबल एक्सेल और उससे भी जो बड़ी साइज़ है उसके लिए एक और डिज़ाइन, यानी कि और छोटा साइज चाहिए एस साइज़ के लिए आपको सिर्फ चार डिज़ाइन बनानी होगी, सिर्फ चार डिज़ाइन। तो इस हिसाब से आप इसे बना लीजिए। अब देखिए हम बैक पोर्शन बना लेते हैं, क्योंकि इधर का पोर्शन आप बना लेंगे, जो फ्रंट साइड का सेकंड पोर्शन है सेम इसी तरह से बनाना है। शोल्डर आर्म होल की तरफ इस तरह से घटाना है और गले की तरफ इस तरह से घटाना है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं पीछे से ये बैक पोर्शन बना देती हूँ। देखिए जहाँ पे ये हमने बनाया है इसके पास से, ये जो हमारी डिज़ाइन है यहाँ पे हम इसमें, इसके बीच में, देखिए इसके बीच में हम पहले ऊन को जोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पे तो ऊन को जोड़ लेते हैं पहले। ये देखिए इसे हमने जोड़ लिया और इसमें हमने डिज़ाइन बनाई थी, और इस डबल क्रोशे के ऊपर हम एक लूप लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे पांच चेन बनाएंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वन टू थ्री स्किप करेंगे, वन टू थ्री स्किप करेंगे, फोर्थ में बनाएंगे, फिर
फिफ्थ में, फिर सिक्स्थ में, फिर सेवेंथ में। देखिए क्योंकि यहाँ पे सात ही ट्रिपल क्रोशिया हो, क्योंकि एक ट्रिपल क्रोशिया में तो हमने ये चैन बनाई है, बाकी ये चार हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए फिर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे तीन चैन, और देखिए एक स्किप करेंगे और सेकंड वाले में देखिए तीन हमने छोड़े थे, वन टू थ्री, तो जो बीच वाला है इसके अंदर, बीच वाले के अंदर हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब देखिए ये हमारी डिज़ाइन में दो ट्रिपल क्रोशिया कम हो गए। अब यहाँ से हमें आठ डिज़ाइन काउंट करनी है, वन वन तो हो गई, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, एट डिज़ाइन है। तो एक हमने बना ली, अभी हमें छह डिज़ाइन जैसी की जैसी है वैसी बनानी है, लास्ट में जब हम आएंगे तो फिर शोल्डर घटाएंगे। तो ये डिज़ाइन कम्प्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने सिक्स डिज़ाइन कम्प्लीट कर लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डिज़ाइन कम्प्लीट कर लिए। फिर वापस आर्म होल के लिए इसी यही काम करेंगे हम। देखिए तीन बार लपेटा, वन टू थ्री फोर, फोर छोड़ेंगे, फिफ्थ में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फिफ्थ, फिफ्थ में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से अब देखिए इधर हम ये एक स्किप करेंगे, एक एक स्किप करेंगे, जहाँ बनाया एक स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में बना लेंगे। फिर एक दो तीन करके देखिए ये छोड़ेंगे और इसके बगल में बना लेंगे। तो ये हमने आठ से छः बना लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे टर्न हो जाएंगे, यहाँ से आपको टर्न हो जाना है, और आपको पता है सब पे डबल क्रोशिया बना लेना है। एक दो तीन, तीन चैन, और फिर ये देखिए पहला डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम सारे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बनाया। फिर अब देखिए यहाँ पे एक स्किप करेंगे, इसमें हमने बनाया है इसको स्किप करेंगे और इस वाले में एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए वापस से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब बिना स्किप किए एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये जो हमारे आठ डबल ट्रिपल क्रोशिया थे उससे हमने चार डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब फिर इसके बाद फिर वापस से ये डिज़ाइन पूरी बनाते जाएंगे, और यहाँ पे भी हम फिर चार डबल ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। तो यहाँ तक पहले बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर दी है, और अब यहाँ पे फिर देखिए ये देखिए इसमें हम बनाएंगे पहले तो एक डबल ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद वाले में बनाएंगे। ये दो हम एक साथ बनाएंगे, फिर उसके बाद देखिए एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक स्किप करेंगे जो चैन है, तो थर्ड चैन में हम इस तरह से इसे हम देखिए बंद कर देंगे। अब देखिए अब आपको पीछे से डबल क्रोशिया की रो बनानी है, अब कोई चेंज नहीं करना है। चार ट्रिपल क्रोशिया पे चार ट्रिपल क्रोशिया और बीच में डिज़ाइन, तो पांच डिज़ाइन ये भी बना लेनी है। और देखिए यहाँ पे भी फिर ऊन हम यहीं से जोड़ेंगे, आपको राइट साइड से इधर से नहीं जोड़ना है, यहीं से जोड़ेंगे हम। और यहाँ पे आर्म होल जैसे हमने आर्म होल घटाया है वैसे यहाँ आर्म होल घटाएंगे, जैसे गला हमने इसमें माइनस किया था, गला घटाया था, वैसे इसमें भी गला घटाएंगे। तो अब हम इसको कंप्लीट करके फिर इसकी बॉर्डर बनाना सीखेंगे। ये मैंने दोनों साइड के शोल्डर्स ही देखिए शोल्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जो है यहाँ पे मैंने बैक पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब इसकी हमें सिलाई करनी है, तो देखिए राइट और रॉन्ग साइड दोनों साइड से आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आपके धागे ऊन में जोड़ है, तो देखिए इस तरफ मेरे इसमें ऊन में ज़्यादा जोड़ है, तो ये मैं रॉन्ग साइड रखूँगी और इसे इस तरह से रॉन्ग साइड को ही ऊपर रखेंगे अभी, क्योंकि हमें सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा धागा छोड़ रखा है, अगर आपने नहीं छोड़ा है तो आप अलग से धागा लेके भी सिलाई कर सकती हैं। देखिए इस तरह से हम इसे सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई कैसे करनी है, देखिए ये यहाँ पे जो हमने थर्ड चैन बनाई है दूसरे वाले में, इसमें से आपको ये धागे को ऐसे निकालना है, और फिर अब देखिए यहाँ पे हम जो है इस डबल क्रोशे को इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे से ऐसे मिलाएंगे, और फिर ऐसे चैन बनाए थर्ड लूज बनाएंगे, फिर इस वाले को इससे मिलाएंगे इस तरह से। देखिए मतलब डबल क्रोशे को डबल क्रोशे से मिलाते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ऐसे ही हम सिलाई कर लेते हैं इसकी। इसमें एक खास बात है फ्रेंड्स, इसमें आपको अलग से बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम और सभी कार्डिगन्स में
अलग से बॉर्डर बनाते हैं तो इसमें आपको अलग से बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो बना भी सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बहुत ही प्यारी क्रोशे की बहुत ही प्यारी और यूनिक बॉर्डर की लिंक दी हुई है, वहाँ जाके इसे देख सकती हैं। इस तरह से देखिए, तो इसकी हम यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलाई कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और ये जो ऊन बचा है उसे कट भी कर लिया है, तो इसे पीछे की तरफ हाइड कर देंगे हम इस तरह से देखिए, ताकि ये ऊन जो है निकले नहीं। इस तरह से तो इसे हाइड कर देते हैं और दूसरे तरफ के शोल्डर्स की भी सिलाई आपको इसी तरह से कर लेनी है। तो दूसरे तरफ का शोल्डर भी सिल लेते हैं पहले। ये देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है और अब मैं इसका फुल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, बनने के बाद ये हमारा कार्डिगन इस तरह से दिखाई देता है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और मैं आपको इसका फुल बैक साइड का लुक दिखाती हूँ। देखिए बैक साइड से भी जो है ये बहुत प्यारा, बहुत प्रिटी, बहुत ही औसम लग रहा है। और इतनी आसानी से बन जाता है ये, किसी भी प्रोजेक्ट की अपेक्षा जल्दी बन जाता है। इसमें थोड़ा सा ऊन ज़्यादा लगता है, अगर आपका ऊन पतला है तो ठीक ठाक लगेगा, लेकिन अगर मोटाई ऊन यूज़ कर रही हैं जैसा कि मैंने इसमें यूज़ किया है, तो इसमें मेरा लगभग 350 ग्राम के करीब ऊन लगा है। तो अगर आप बॉर्डर बनाना चाहें, देखिए यहाँ पे अगर इस जगह आप चाहें बॉर्डर बनाना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बहुत ही प्रिटी सी बॉर्डर का, आप चाहें तो उसे बना सकती हैं। तो ये डिज़ाइन कैसी लगी आपको? प्रिटी लग रही है ना, है ना प्यारी। और फ्रेंड ये मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने एम साइज़ का बनाया है, आप इसकी डिज़ाइन के हिसाब से एक्सेल डबल एक्सेल साइज़ का भी बना सकती हैं। हर साइज़ में डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगी, आप शॉल वगैरह बना सकती हैं, ब्लैंकेट वगैरह बना सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी, जैकेट पसंद आया होगा। और पसंद आया तो पता ना आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके मुझे बताना नहीं भूलना है कि आपके पैटर्न, ये डिज़ाइन, ये जैकेट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।